Hello everyone, welcome to Learning and Solution. Today I have uh, brought to you the last chapter of your main reader, Hornbill Silk Road. And uh, it is a very, very interesting uh, chapter from a student's point of view as well as a teacher's point of view. Before we actually start uh, reading the chapter, uh, let me introduce you to the author of this particular chapter nick middleton nick middleton is a very famous uh, geographer presently he is a lecturer in the oxford university and uh, he has written many many uh, travel books अपनी ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बहुत सारी ट्रैवल बुक्स लिखी हैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं इफ़ यू पीपल वॉच नेशनल जोग्राफिक चैनल तो उस पर इनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत आती हैं इन फैक्ट इनकी ट्रैवल बुक्स इतनी फेमस हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी हुई हैं नेक इज़ अ वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन एक्चुअली एंड ही लाइक्स टू इंटरेक्ट विद पीपल लोगों से बहुत बातचीत करना पसंद है एनवायरमेंट के बारे में प्लानट अर्थ के बारे में और जानना बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं इसके बारे में ही इज़ एक्चुअली एन एन्वायरमेंटल साइंटिस्ट ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियासिटी ही हैज़ एक्सप्लोर्ड प्लेसिस विद एक्सट्रीमिटीज़ जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ज्यादा बारिश होती है या बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है माइनस uh, में टेम्परेचर रहता है या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ऐसी जगहों को जाके ये बहुत एक्सप्लोर करते हैं एंड देन ही राइट इज एक्सपीरियंस टू शेयर इट विद अदर्स सो हेअर ऑल्सो वी हैव वन ऑफ हिज एक्सपीरियंसिस टू माउंट कैलाश एंड माउंट कैलाश एक्चुअली इज अ वेरी सीक्रेड माउंटेन Uh, not only for the Hindus but for the Tibetans and for the Jains also बहुत सारे religion के लोग जो हैं इसके साथ associate करते हैं अपनी religious feelings को and um, religious अगर आप नहीं भी हो just for the sheer beauty of the place इतनी सुंदर है वो जगह वो माउंटेन इतना सुंदर है उसकी आसपास की लोकेशन इतनी सुंदर है कि लोग वहां पे ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं एंड इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोरा कोरा मींस एक परिक्रमा करना जिसे आप कहते हो माउंट कैलाश का एक चक्कर लगाना उसको डिस्क्राइब किया है कैसे उन्होंने अपना वो कोरा कंप्लीट करने के लिए वो जो जर्नी है वो लेते हैं इन पूरा कोरा तो डिस्क्राइब नहीं है आपके सिलेबस uh, में बट यस आई रियली बिलीव दैट वंस यू रीड द चैप्टर यू विल फील सो एक्साइटेड दैट दिस प्लेस इज वर्थ विजिटिंग और मन करेगा कि इसको जाके विजिट किया जाए एक बारी इट इज सच अ ब्यूटिफुल

What is the significance of silk in this particular uh, story? So the there is a significance. Let me try to highlight this here like this. This particular route, a part of this route, jo hamara Mount Kailash ka जब हम परिक्रमा करते हैं या जब हम उस तक पहुँचते हैं, तो वो जो हम route लेते हैं उस रूट वो जो रूट है एक ऐसे बड़े रूट का पार्ट है जो एंशियन टाइम में यूज करते थे अफ्रीका और एशिया के बीच में और यूरोप के बीच में आ, ट्रेड के लिए और ट्रेड क्या होता था ट्रेड होता था सिल्क स्पाइसेस एंड परफ्यूम्स सो इफ यू कैन हैव अ लुक हियर दिस इज सी चाइना यहां से ये जो रूट है इंडिया में इसको ट्रेड करने के लिए और यहाँ से टिब्बत से होता हुआ यहाँ से ये ये जो है हमारे माउंटेन वाला रास्ता था इसमें कैमल, शीप याक इनके ऊपर बिजनेसमैन जो हैं एंशंट टाइम्स में ये सामान लेके जाते थे और इसका ट्रेड करते थे और यहाँ तक मतलब इजिप्ट तक इसका Uh, मतलब रूट था स्प्रेड आउट था ये इतना और अगर आप वॉटर से देखो तो ये वाला जो एरिया है ये सारा ये सारा एरिया अब विजिबल होगा आपको ऐसे ये सारा एरिया यहां से पानी के जहाजों से ये ये वाला पूरा एरिया ये जो रूट आपको दिख रहा है ये लाइट कलर का रूट ये पूरा एरिया यूज करते थे और देखो कैसे यहाँ तक साउथ अफ्रीका तक थ्रू दी रूट ऑफ वॉटर और यहां से ये अरेबियन कंट्रीज में ये वाला जो रूट है चाइना और तिब्बत से सेंट्रल एशिया जिसको बोलते हैं वहां से ये ट्रेड जो है चलता था जिसमें इंडिया भी कवर था आजकल भी चाइना बहुत कोशिश कर रहा है इंडिया से वापस ये वाला रूट खोलने के लिए एंड ट्रेड टाइस को वापस से बनाने के लिए ठीक है ना सो so, इसी में से एक जो रूट हम ये वाला जो है यहां पर जो अः जो रूट का पोर्शन है वहां पर हमारी जो कैलाश की जो हमारी ये परिक्रमा है वो हम करने के लिए यूज करते हैं इसी को इसीलिए जो ऑथर है उन्होंने इसका नाम द सिल्क रूट रखा है तो माउंटेन्स के रास्ते से ये वाला रूट फॉलो होता था जो डार्क कलर का है एंड थ्रू द ओशन वॉटर

सिल्क रोड राइट सिल्क रोड इज अ ट्रेवलॉग हमने अभी समझा ट्रेवलॉग मीन इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन एक पर्सन person के पर्सनल एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया जाता है जहां पर वो एक एक्सपीरियंस uh, कैसा जहां पर उन्होंने एक जर्नी अंडरटेक करी और कहीं पर वो ट्रेवल करके आए हो तो उसको जब वो डिस्क्राइब करते हैं It can be in the form of a lecture, it can be in the form of a documentary, it can be in the form of a small write up like it is over here. A travel book bhi bana ho aap. Three men in a boat. Long ago it was a part of the CBSE class 9th curriculum. Uh, it, it was a very uh, good and humorous travelogue, right? So here also we have this particular travelogue in which Nick has described his own experience of Mount.

कैलाश मानसरोवर यात्रा ऑफ द हिंदूज वॉट कोरा मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा एसोसिएट करते हैं रिलीजियसली बिलीव करते हैं उनका भी मानना है कि अगर इसका माउंट कैलाश के अगर हम पिलग्रिम करते हैं अगर हम उसकी यात्रा करते हैं अगर हम उसकी परिक्रमा करते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर माइथोलॉजी अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस माइथोलॉजी नेक्स्ट बर्थ में जाना आसान हो जाता है बहुत सारे आपके जो कर्मों का हिसाब है वो यहाँ पे हो जाता है तो इट्स अ वेरी वेरी पायस प्लेस फॉर देम तो कोरा नाम जो है पिलग्रिमेज का ये टिबन बुद्धिस्ट के टर्मिनोलॉजी uh, है उनकी रिलिजन uh, में इस यात्रा को इस पिलग्रिमेज को आप कोरा बोलते हो हम उसको कैलाशमान सरोवर की यात्रा बोलते हैं इन हिंदू माइथोलॉजी जैनिजनी जो है इसको कोई और टर्म देते हैं जो जैनिज्म को मानते हैं राइट इन दिस ऑल्सो इफ यू जस्ट फॉर अ लिटिल मोर नॉलेज देर आर टू टाइप्स ऑफ कोराज वन कोरा इज द आउटर कोरा जो सिर्फ बाहर ही बाहर आपको पिलग्रमेज करा के बाहर की परिक्रमा करा के वापस आ सकते हो इन वन डे ओनली इट्स अ 54 और 53 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है बिकॉज दी आल्टीट्यूड इज वेरी हाई बहुत मुश्किल होता है ऑक्सीजन का लेवल कम होता है ठंड बहुत ज्यादा होती है वेदर इज नॉट वेरी गुड आई मीन आम लोग इसको बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं तो एक तो ये वाला कोरा है जो आउटर कोरा है और इनर कोहरा जो है वो और भी ज्यादा टफ है मानना है कि जो एक बार इनर कोरा आउटर कोरा आउटर कर लेते हैं वो ही लोग इनर कोरा करने के लिए आ, कर सकते हैं आप सीधा इनर कोरा कर ही नहीं सकते राइट अः ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस लोगों की मानने की भावनाओं की बात है मानने की बात है यस अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो क्यों पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अंदर वाला जो जो इनर कोरा है वो और भी ज्यादा टफ है इन द टर्म्स ऑफ uh, चढ़ाई चढ़ना ज्यादा स्टीप पहाड़ है ठंड बहुत ज्यादा है वहां पे डिफिकल्ट uh, जगहों से आपको गुजरना पड़ता है रॉक्स के ऊपर से गुजरना पड़ता है तो वो जो परिक्रमा है वो जो पिलग्रिमेज है वो जो यात्रा है वो और भी ज्यादा टफ है तो इसलिए वो इनर परिक्रमा जो है वो इनर कोरा जो है

having given you an introduction of this particular travelog i would also like to take this opportunity to tell you all uh, that now you people are very soon going to go to class 12th so hamara ek journey raha hai a journey of learning जर्नी ऑफ डेवलपिंग टूगेदर अ जर्नी ऑफ एंजॉय लिटरेचर टूगेदर राइट तो जब हम ये लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑल ऑफ अस दो इन योर सिलेबस एंड ऑल योर टीचर्स एवरीबडी वुड सडनली एक्सपेक्ट की आपका जो अब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश है वो काफी राइज हो चुका होगा हो अब तक के लिए सो यू विल सी दैट दिस पर्टिकुलर चैप्टर हैज मैनी डिफिकल्ट डिफिकल्ट अगेन आई रिपीट मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बोल चुकी हुई हूँ इट इज अ वेरी रेलेटिव टर्म डिफिकल्ट अगर आपको नहीं आता कोई चीज तो वो डिफिकल्ट है और अगर आपको वो चीज़ आती है तो वो ईजी है ठीक है ना अगर आपको समझ में आ गई तो दर इज नाथिंग लाइक डिफिकल्ट राइट सो वेरी गुड ज ऑफ एजेक्टिव इतने सुंदर एजेक्टिव यूज किए द लैंग्वेज ऑफ निक द वे ही हैज डिस्क्राइब द पेनॉर्मिक व्यू ऑफ माउंट कैलाश इज ब्यूटिफुल एंड नाउ चिल्ड्रन यू ऑल हैव बिकम सो मैचर कि आपको अब उसको समझना और उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना अब आना चाहिए आ गया होगा एंड आई एम देयर विद यू टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ ही हैज डिस्क्राइब हिज ट्रैवल एक्सपीरियंस राइट ही हैज यूज्ड लॉर्ड ऑफ सिमिलीज ही हैज यूज्ड विजुअल इमेजरी द वे ही हैज डिस्क्राइब द माउंटेन्स द क्लाउड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है जिस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब करी है बहुत ही सुंदर है एंड आई रियली विश कि आप लोगों को बहुत आसान लगे मेरे साथ इसको पढ़ना और आप भी इंजॉय करो इसको उतना ही जितना मैं इसको पढ़ाना एन्जॉय करती हूँ Right And it is advisable if you all could just take a piece of uh, a pencil or maybe a pen and sit down with your textbooks to write down the meanings of side side by other meanings understand or be easy. right. So now let's start and read this travelogue together and uh, hope we all enjoy it together. right. Let's just enlarge this a little bit so it will be more clear on your screens one more time yeah that's better okay a flawless half moon now see the first line a flawless a flawless half moon floated in a perfect blue sky On the morning we said our goodbyes. The day we started, a flawless half moon floated in a perfect. Now, if you tell me to explain this, so ek uh, बहुत सुंदर सा blue sky था, उसमें एक moon था जो float कर रहा था, तो beauty खराब हो जाती है line की, है ना? इतनी सुंदर line है कि उसको पढ़कर ही I can imagine that the moon is Half, it's not a full moon, and how the sky is clear, and the moon must be looking very beautiful that day. Uh, it was a flawless moon because probably on that day there were no clouds, so, but clearly, extended banks of cloud like long French loaves.

तो वो कितनी ब्यूटिफुली डिस्क्राइब किया हुआ है वी हैव टू एज स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर वी शुड नाउ बी एबल टू एप्रिशिएट हाउ नाइसली हाउ ब्यूटिफुली निक्राइब्ड वॉट हींस एंड सीन दैट डे नाउ दैट वी वर लिविंग राहू राहू इज एक्चुअली अ प्लेस फ्रॉम वेदल इट्स अ बस और अ जीप दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम देअ Lamo said she wanted to give me a farewell present. One evening, I had told her through Daniel, Daniel was a companion of uh, Nick, that I was heading towards Mount Kailash to complete the Quora. And she had said that I ought to get some warmer clothes. So, Lamo ko yilaga ki whatever clothes Nick is carrying, they are not sufficient for him to. कंटिन्यू द कोरा उन्हें रस्ते में बहुत ठंड लगेगी उन्हें गर्म कपड़ों की जरूरत है आफ्टर डकिंग बैक इन टू हर टेंट डकिंग बैक मीन्स गोइंग बैक और टेंट में जब जाते हो तो आपको थोड़ा झुक के जाना पड़ता है तो वो झुक के जाना थोड़ा सा पैर के बल कमर झुका के जाना इज नोन एज डक बैक ओके गोइंग बैक स्लाइटली बेंट इंटू अ टेंट

Up as we clambered into clambered means climbed into his car. Uski car mein Ah yes, he declared. Drokba sir, Drokba. We, there are you know uh, words of Tibetan language used here. So Drokba is actually a shepherd. जो चरवाहे होते हैं जो शीप और गोट को लेके जाते हैं कैटल uh, को लेके जाते हैं ग्रास ग्रेस कराने के लिए दैट इन टिबन लैंग्वेज दे आर कॉल्ड ग्रोकबम वी टुक अ shortcut टू गेट ऑफ द चैंग टी टन न्यू रूट दैट वुड टेक अ साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टूवर्ड्स माउंट कैलाश It involved crossing several fairly high mountain passes, he said. But no problem, sir, he assured us, if there is no snow. What was the likelihood of that, I asked. Not knowing, sir, until we get there because the climate is so unpredictable there. आप नहीं बता सकते हो कि कब वहां पे रेन होने वाली है कब वहां पे स्नोफॉल होने वाला है जो माउंटेन्स का क्लाइमेट होता है वेदर होता है इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल सो व्हेन निक इज आस्किंग द ड्राइवर सीट एन दैट वॉट इज गोइंग टू बी द वेदर लाइक देयर एनी चांसेस ऑफ स्नो बिकॉज अगर स्नोफॉल होगा तो इनका आगे जाना देयर ट्रेवल विल बिकम डिफिकल्ट सो ही सेज दैट दर इज ही हैज नो आइडिया अबाउट इट अंटिल ही कैन दे एक्चुअली रीच द प्लेस from the gently rolling hills of ravu, the shortcut took us across vast open. vast means huge, very big, open plains. Uh, first they saw the mountains, then they saw the plains, your vast flat area, hoga land, पे mountains, the, with nothing in them except a few gazelles. gazelles are a type of deer. That would look up nibbling the arid pastures. That would look up nibbling. Nibbling means eating in small bites. The arid pastures, the dry. लैंड तो जो ग्रेजिंग एरिया था वहां पर जो घास थी थोड़ी सूखी घास थोड़ी हरी घास उसको वो खा रहे थे एंड फ्राउन बिफोर बाउंडिंग अवे इन टू द व उसके बाद वो स्किप करते हुए जैसे डियर चलते हैं भागते हैं जंपिंग दे जस्ट वेंट इन टू खुली जगह थी वहां पर वो चले जा रहे थे खाते थे थोड़ी सी ग्रास और फिर चल पड़ते थे आगे फर्दर ऑन वे प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी दैन ग्रासी धीरे धीरे पहाड़ों पर जो है ठंड की वजह से भी ग्रीनरी कम हो जाती है Right? So now it was less grassy, dry grass, which is stony. Jaga A great herd of wild ass came into view. Seton told us we were approaching them long before they appeared. Fine? Kiang, he said. Now this is again in Tibetan language. Tibetan language, mein what is this? It is the wild ass. It's written over here. जो वाइल्ड एस है इंग्लिश में उसको टिबिन में एक बहुत ही ज्यादा मिट्टी वाली जगह थी पॉल एक्चुअली रेफर्स टू अ ग्लूमी ग्रेश एरिया मिट्टी की वजह से धुंधला सा हेजी सा हुआ हुआ, हुआ होगा हेजी आई होप सब मीनिंग साथ साथ लिख रहे हैं हेजी ओके क्लियर है ये इसको ब्रैकेट में लिखें यहां पे ध्यान से दिखेगा अब वेन वी ड्रू नियर आई कुड सी द हर्ड गैलोपिंग एन मास एन मास मीन्स टूगेदर Wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. They were practicing some maneuver means skillful moves. Plumes of dust billowed into crisp, clean air. Again, plumes of dust means it's a phrase. यू कैन हैव प्लूम्स ऑफ स्मोक you ऑफ plumes एंड यू कि एक uh, एक बादलों की तरह से एक धुआं जैसे फैल जाता है वैसे ही एक uh, मिट्टी का धुआं उड़ाते हुए ये सारे भागे uh, एक झुंड के अंदर एक साथ राइट इवन नाउ एज आई एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन

प्रैक्टिस uh, तरीके से चल रहे हो ऐसे एक साथ वो चल रहे होते हैं और क्योंकि वो झुंड में चल रहे हैं सो so बहुत सारा जो डस्ट है वो उड़ाते हुए चल रहे हैं राइट सो दिस इज अ फ्रेज विच मींस अ क्लाउड ऑफ डस्ट राइट plumes of dust billowed into the crisp clean air it just billowed means fell gai spread into it spread into the clean air as hills started now new scenery as hills started to push up once more from the rocky wilderness wilderness is again a एन अन इनहेबिटेड प्लेस क्योंकि इन जगहों पर ज्यादातर लोग नहीं रहते हैं तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी जगह है अबैंड खुली जगह में वी पास सॉलिटरी ड्रॉकबाज टेंडिंग देयर सॉलिटरी मीन्स लोनली जो अकेले हैं वहां पे इतनी भीड़ भड़के में एक साथ नहीं चलते जो ये चरवाहे या जो गडरिए होते हैं दे जस्ट रोम uh, सॉलिडरीली अकेले जाते हैं अपनी फ्लॉक्स को अपनी शीप को अपनी कैटल को साथ में लेकर समटाइम्स समटाइम्स मेन दीज वेल फिगर्स वुड वेल रैप बिकॉज बहुत ठंड होती है तो अच्छे तरीके से कपड़े से ढका हुआ था वुड पॉज एंड स्टेर एट आर कार ओकेजनली वेविंग एज वी पास्ट

the way of describing is beautiful what is he saying that the moment our, uh, we went near the animals the sheep took would take evasive action evasive action change path evasive action means they change path to avoid

जाके रहते हैं उनकी कोई फिक्स जगह नहीं होती रहने की एंड टेम्परली uh, कहीं पे रहते हैं कुछ हफ्ते रहे कुछ दिन रहे फिर कहीं और जाके अपना ठिकाना बना लिया राइट right? तो टेंट्स लगाए हुए या नोमैड्स ने आइसोलेशन में रह रहे हैं क्योंकि आसपास कोई ज्यादा सिविलाइजेशन नहीं है बट इट इज ऑल्सो स्प्लेंडेड ब्यूटिफुल यूजअली विद अ्लैक डॉग अ टिबिटन मैस्टिफ एंड नो मैथ यूजअली हैव अ पेट डॉग विच इज अ टिबिटन मैस्टिव वो रखते हैं अपना घर अपना टेंट अपनी बाकी जो बकरियां हैं या जो शीप है उन्हें गार्ड करने के लिए एंड दे लुक रियली पेरोस इफ यू कुट दिस

ये सीटन uh, की जो कार है जिसमें निक और डैनियल बैठ के जा रहे हैं राबू से चले हैं उनकी गाड़ियों के पीछे पीछे भाग थे जस्ट लाइक डॉग्स रन जैसे उन्हें लगता है कि उनकी टेरिटरी में उनकी बाउंड्री में उनकी एरिया में कोई आ गया है तो उन्हें भगाने के लिए उनके पीछे पीछे बाग करते हुए जाते हैं दैट वे दीज डॉग्स दीज मास्टर्स यूज टू रन आफ्टर द कार देर ओके एंड देर इज अनादर incident of these mastiffs also which is mentioned here itself standing guard these beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights as we continue to draw closer they would explode into action energy ke sath tezi se

इतने लंबे लंबे बालों वाले मॉन्स्टर्स दे लुक लाइक जायंट्स दे लुक लाइक मॉन्स्टर्स यूजुअली वोर ब्राइट रेड एंड कॉलरियसली फ्यूरियसली एंग्रीली विद मैसिव जॉज और उनके जो तो जॉज हैं वो बहुत बड़े होते थे दे वर कंप्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल शूटिंग स्ट्रेट इन टू पाथ क्रॉसिंग

This is called swift change of direction. Swift change of direction, okay. The dog would make chase. For a hundred meters or so before easing off, having seen us off the property. For a hundred meters or so, they would just chase the car and then they would just go back to their places, just like all dogs do. It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan mastiffs became popular in China's imperial courts. You know the meaning of imperial?

इन डॉग्स को सिल्क रूट पे सिल्क के साथ साथ भेजा जाता था एज अ ट्रिब्यूट एज अ गिफ्ट फ्रॉम टिबिट इतने ज्यादा रॉयल लोग जो थे वो इनको रखना पसंद करते थे इनकी इतनी खूंखार पर्सनालिटी की वजह से बाय नाउ वी कुड सी अनादर डिस्क्रिप्शन वी कुड सी स्नो capped mountains, mountains कवर्ड with स्नो गैदरिंग ऑन द होराइजन We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice. Brilliant white and glinting. Glinting means shining in the sunshine. The trail hugged its back. The trail, the road. हाउ ब्यूटिफुल मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं रोड जो थी उसके किनार उसके साइड में जो है एक आ, रिवर थी और रिवर जो है वो बिल्कुल रोड को टच कर रिवर का जो बैंक है वो रोड को टच कर रहा था सिंपल इंग्लिश रोड की रोड है जो रिवर की बैंक को रिवर के किनारे को टच कर रही है बट वॉट इज द राइटर से हैं निक कह रहे हैं द रोड इन डेट ब्यूटिफुल इंग्लिश फाइन hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in as twisting with the curves. जैसे जैसे road twist हो रही है वैसे वैसे river भी twist हो रही है और twist करते करते हम valley के अंदर पहुंच गए द टर्म्स बिकेम शार्पर एंड द राइट बंपियर और झटकों वाली रोड हो गई बिकॉज दीज आर नॉट वेरी वेल मेड एंड में बट बिकॉज इतना यहाँ पे वेदर खराब रहता है और इतने कम समय के लिए लोग आते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है तो रोड्स भी जो है बहुत रॉकी और बंपी है वहां पर सीट इव इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब ट्रैक मूवड अवे फ्रॉम द आईसी रिवर लेबरिंग थ्रू द स्टीपर स्लोव लेबरिंग ही है मेकिंग एंड एफर्ट ही टू मेक एन गाड़ी ड्राइव करने में कोई एफर्ट नहीं लगता पर यहां पर इतनी स्टीप चढ़ाई है इतनी ज्यादा सीधी चढ़ाई है कि गाड़ी को चलाने में एफर्ट लग रहा था स्पॉटेड बिग रॉक्स डॉब्ड विद विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लाइचन डॉब मीन्स लिपे हुए या इट दैट दे वर कवर्ड दे वर कवर्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज Lichen, this is a type of small plant which grows on mountains. Okay. Beneath the rocks, hunks of snow clung on in the permanent shade. Again, see.

आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माइर्स एंड जैसे जैसे आप हाई आल्टीट्यूड पर जाते हो अगर आपने प्लेन में कभी ट्रेवल करा है या वैसे भी पहाड़ों पर जाते हैं तो कान में ऐसे बंद हो जाते हैं ऐसे लगता है कि प्रेशर बिल्ड हो गया है वेरी वेरी ग्रेट ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा हाइट पे ट्रेवल कर रहे थे तो ही मस्ट है इन माई ईयर्स ही हेल्थ I held my nose, knotted and cleared them. तो नोज को बंद कर कर अगर आप ऐसे करके करो ना आपने जॉज को मूव करो अपने चीक्स में हवा भरो तो जो आपके कान का प्रेशर है वो कम हो जाता है वो ही ऑथर ने करने की कोशिश करी We struggled round another tight bend and सीटन stopped. He had opened his door

A swathe of white stuff lay across the track in front of us a swathe means a broad strip a broad strip of white stuff lay across the track in front of us stretching for maybe 15 meters before it petered out एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियड फिफ्टीन मीटर तक बर्फ थी और बर्फ के आगे फिर वो मतलब एक जैसा लुक वाला लैंड दिख रहा था वहां पर द स्नो कंटिन्यूड ऑन आईडर साइड ऑफ अस स्मूदिंग दब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आर व्हीकल टू स्केल सो देर वॉज नो वे अराउंड स्नो पैच साइड्स पर भी जो है बर्फ जमी हुई थी तो आप इस वाले जो पैच जो आपकी रोड के ऊपर बर्फ जमी हुई है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते साइड से भी नहीं निकल सकते साइड में भी बर्फ है तो क्या करेंगे अब इसी बर्फ के ऊपर से निकल कर जाना पड़ेगा आई joined डेनियल एंड सीटन stepped ऑन टू द

I looked at my wristwatch, we were at 5210 meters above sea level. The snow didn't look too deep to me but the danger wasn't its depth. Daniel said so much as its icy top layer, if we slip off the car would could turn over इस बात से डर नहीं है कि कितनी डीप है ये स्नो लेकिन अगर हम इसके ऊपर स्किड कर गए तो हमारी गाड़ी जो है वो पलट सकती है दैट वॉज द डेंजर द डेंजर वॉज नॉट हाउ डीप इट इज उसके अंदर जाने का डर नहीं था बट डर था कि गाड़ी पलट ना जाए ही सजेस्टेड एज वी सॉ सीटन एंड ग्रैब हैंड फुल्स ऑफ डर्थ एंड फ्लिंग डैम अक्रॉस द फ्रोजन सर्फेस से मिट्टी उठाई और मिट्टी को उठा उठा के उसने स्नो के ऊपर फेंक दिया ताकि स्नो स्लिपरी ना हो यही वाली मिट्टी टायर्स पे भी डाली ताकि फ्रिक्शन पैदा हो और जो आ, स्लिपरी रोड है वो इतनी स्लिपरी ना रहे और बर्फ के ऊपर से गाड़ी निकल जाए वी बोथ पिच दिन एंड वेन द स्नो वॉज स्प्रेड विथ सॉइल डनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सीट इन्ड ही बैक्ट अप एंड स्नो ईज द कार ऑन टू इट्स आईसी सर्फिस एंड स्लोली ड्रोव इट्स लेंथ विदाउट अपेरेंट डिफिकल्टी और धीरे धीरे वो उसके ऊपर उसको चढ़ाकर ले गए बट बोथ डैनियल एंड एंड निक डिड नॉट बोर्ड द

Round the snow. The slope was steep and studded with major rocks, but somehow C10 negotiated them. He tried to just take a side way and onto the माउंटेनस एरिया वो आइस को स्नो को छोड़कर साइड से निकले बहुत ही ज्यादा जो चढ़ाई है वो बहुत ज्यादा खड़ी थी पर फिर भी वो गाड़ी को उसके ऊपर से निकालने की कोशिश करी फोर व्हील ड्राइव व्हीकल लर्चिंग लर्चिंग मीन स्टम्पलिंग डगमगा रही थी गाड़ी भी उस पर चलते हुए क्योंकि वो प्लेन सर्फिस नहीं था फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल टू द नेक्स्ट इन सो डूंग ही कट ऑफ रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर आप ट्रेल इज अगेन द रोड वेर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड जहां पर अभी स्नो नहीं आई थी उस जगह पर वो वापिस अपनी गाड़ी को लेके जाके पहुंच पाए लेकिन एक बहुत शार्प उनको गाड़ी को निकालना पड़ा विच इज ऑफकोर्स डेंजरस दैट्सिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर टिलू रीड द लेसन अगेन सो दट यू कैन अंडरस्टैंड न्यू वोकैबलरीन बाई बाय